हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एस भाई। और आज आप देख रहे हैं हीरोंडा स्प्लेंडर 2008 मॉडल है जो कि, तो उसको हम तकरीबन कम्प्लीटली रिस्टोरेशन करने वाले हैं। उसका इंजन भी बना रहे हैं जो कि इंजन मैंने तैयार कर दिया है, थोड़ा बहुत बाकी है, ये कंप्लीट कर दिया मैंने। इसके इंजन को फिटिंग खोलते हुए क्योंकि स्टार्ट नहीं हो रहा था, सीज हो गया था, उस वजह से फिर मैंने सोचा कि चलो बाद में कंप्लीट करके दिखा देते हैं इसका पूरा जो ऊपर का एसएसबी का काम है ना, बाकी जो रिस्टोरेशन है वो काम दिखा देंगे सारा। तो मैं आगे आपको वीडियो में दे चलता हूँ, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं दिखाता हूँ कि क्या किया किया हमने। तो ये इंजन कंप्लीट तैयार किया हमने, ये क्लीनिंग है हमारी, थोड़ा बहुत जितना भी मेरे से बन सका है उतना क्लीन करने की कोशिश की है मैंने। अच्छे से ये तो हो गया, ठीक है, फिटिंग, ये इंजन फिटिंग कर दिया मैंने कंप्लीट, और बाकी ये है बाइक पूरी कंप्लीट। तो मडगार्ड वगैरह टूटे हुए हैं, मडगार्ड चेंज करना है, आगे की शोकर की जो राडें हैं कंप्लीट ये चेंज करनी है हमें। ये देखो लक्कीज वगैरह हो रही हैं, राडें कटी हुई है, दोनों राड चेंज कर दें कंप्लीट सेट इसका। आई होप दिख रहा होगा आपको अच्छे से, ये देखो कितना लिकेज है, ये काफ़ी दिनों से परेशान भी है और भरवाने के बाद में भी ये ऑयल लिकेज ही रहता है यहाँ से, ठीक है। और वाइजर वगैरह डलेंगे, इसके मडगार्ड हो गया, सीट वगैरह का भी काम करेंगे। पीछे के शोकर है इसमें, ये पंप है ना, ये डलवाऊँगा मैं, कंप्लीट शोकर है ना, ये नहीं डलवाऊँ क्योंकि ये कैप है और ये स्प्रिंग, ये कभी ख़राब नहीं होते हैं, थोड़ा सा बस कलर इसका डल हो जाता है लेकिन इसका सही पड़ा है, तो क्यों इसके बेफालतू में पैसे लगाने। ब्रेक शू वगैरह, इंडिकेटर वगैरह, इंडिकेटर वगैरह चारों नए डालेंगे, फुट रेस्ट वगैरह। तो चलिए आपको मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ आगे। इंजन तैयार करके मैंने स्टार्ट कर दिया, अभी ये रमा हो रहा है, अभी मेरे को 15-16 मिनट हो गए इसको स्टार्ट किए हुए, और अभी स्टार्ट पड़ा ही। दोस्तों मैंने इसमें नई राड लगा दी स्प्लेंडर के आगे वाले, तो दोस्तों इस स्प्लेंडर के हमने शोकर खोल लिया आगे से और कोण सेट डाल दिया इसके अंदर, कोण सेट भी डाला है मैंने, बता देता हूँ आप लोगों को ताकि आपको पता रहे कि मैंने इसमें क्या क्या काम किया है। कोण सेट डाल दिया और अभी मैंने शोकर खोल रखे हैं, शोकर खोल लिए, ये देखो क्या हालत है इस सील की, बिल्कुल लीकेज है। और ये जो शोकर रड है शायद कैमरे में तो आपको दिखे या नहीं दिखे मेरे को पता नहीं है, लेकिन ये राड कटी हुई है और एक राड ये रही, इसमें बैंड है थोड़ा, आप देखोगे तो पता चलेगा, ये देखो ये इस राड में हल्का सा बैंड है। ये दोनों राड हो गई और राड हम नहीं डाल रहे हैं, एक तो ये डाल रहे हैं, एक मैं फिटिंग कर दिया मैंने इस राड इस शोकर को, तो हाथों तो लगे हुए इस पर, दूसरा फिटिंग करने जा रहा हूँ, दिख गया। दोनों ओरिजिनल शोकर की राडें ली हैं मैंने जो कि इंडोरेंस की है, जो साथ में शोकर आते हैं ना वही है। ये देखो एक राड ये प्राइस है, दोनों रॉडें डाल दी मैंने नहीं इसमें, तो इसको फिटिंग करता हूँ मैं अभी, सील वगैरह डाल के, सील डाली है वो जेनविन डाली है, इसमें मिल रही थी मेरे को ओरिजिनल सील, तो ये लेके आया मैं बजाज में मिली है, ये तो एक ही बात होती है कोई सी भी डाल दो हीरो की स्प्लेंडर की, सबके तकरीबन साइज एक रबर होता है, डिस्कोर में थोड़ा लगाता है 135 में। और जो भी काम करूँगा आगे आपको दिखा रहा हूँ मैं, स्टेप बाय स्टेप दिखाता चलूँगा, तो वीडियो में बने रहना एंड तक। सो गाइस, बाइक बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ये देखो मैंने पीछे से दिखाया था आप लोगों को इसकी कैसी हालत थी, यहाँ से कलर फेड हो गया था, फेड बोले तो यहाँ से वाइट निकल गया था, और ये देखो टंकी, यहाँ पर भी मैंने रेड कलर अप्लाई कर दिया, और ये देखो वाइजर न्यू हो गया, मड़गार्ड न्यू हो गया, वाइजर मड़गार्ड नया हो गया, इंडिकेटर नए हो गए, और ब्रेक
की केबल वगैरह सब नहीं हो गई। आगे की शॉकर की जो रॉडें हैं वो भी नहीं डाल दी हमने, शॉकर रॉड ये जो होती हैं, और कौन सेट भी डल गया था। एक टंकी पे ये स्टिकर लगाने वाला बाकी है, बस ये अभी लगा दूंगा मैं। इस साइड से भी देख सकते हैं, और ये काउल का जो कलर डल हो गया था वो भी मैंने कर दिया, और ये जो शॉकर है इसके जो पंप है ये कम्प्लीटली चेंज कर दिए हमने, और ये जो ऊपर की कैप है ये जो थे पहले वाले वही रख दिए पुराने वाले, तो इन पे थोड़ा क्लियर कोट अप्लाई कर दिया मैंने, क्लियर लेकर कोट। तो ये रेड कलर का ये लेके आया था ट्यूब का, ठीक है, और एक ये ट्यूब का क्लियर लेकर लेके आया था। ये हो गया शीट कवर, देख सकते हैं आप, डबल शीट कवर लगवा के शीट को दोबारा से तैयार करवा दिया, और जो साइड के पैनल हैं ये देखो बिल्कुल नए जैसे हो गए। इनका थोड़ा कलर डल था, कलर डल होने की वजह से पुराने लग रहे थे, तो ये देखो ये मैंने इस पर क्लियर कोट मार दी ना, उसकी वजह से ये बिल्कुल नए जैसे हो गए वापस से, टूटे हुए थे नहीं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही और कोई रिस्टोरेशन वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।